हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। सो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लोग का गुड मॉर्निंग हो चुका है, हम तो चाय पी चुके हैं और ये भी सोए हुए थे, आ गए हैं उठ करके। तो आज तो हमारा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है क्योंकि इसके पापा को आज निकलना है बाबा धाम के लिए, जो हर साल जाते हैं कांवर लेके। तो इस साल भी आज जा रहे हैं कांवर लेके। तो आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे तैयारी करके कब निकलते हैं, कितने बजे निकलते हैं। चलिए देखते हैं ये आगे क्या तैयारी करके रखे हुए हैं निकलने के लिए। निकलेंगे तो ऐसे 2-3 बजे तक, लेकिन हम सुबह से ही आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग का आज क्या शेड्यूल है, रूटीन है आज काम करने का। और आज तो थोड़ा सा हमको बिजी भी शेड्यूल रहेगा। ये अपना जाने के लिए कपड़ा धुल करके फैला दिए हैं क्योंकि हर एक साल पर ही यह कपड़ा निकलता है। आज कांवर लेकर जाएंगे, पहन के आएंगे 4-5 दिन बाद, फिर उसके बाद ये धुल कर अच्छे से रखा जाता है, उसके बाद फिर अगले साल निकलता है। इसलिए इसको फिर से ये धुल कर फैलाए हुए हैं। इसके बाद कांवर सब धोएंगे, तैयार करेंगे। खैर वहाँ तक कांवर का श्रृंगार होता ही है, लेकिन यहाँ से भी धो धा के अच्छे से ले जाते हैं। कपड़ा तो रात ही में धुल कर फैला दिए थे तो सूख गया और मौसम थोड़ा गड़बड़ करने लगा, बादल बादल होने लगा, तो ये अपना हटा लिया कपड़ा क्योंकि आज 2 बजे तक निकलना है। हर बार तो यही होता है कि निकलते के समय बारिश होता है। अच्छा है, बारिश होता है तो मौसम ठंडा जाता है, दिलों को भी आसान रहता है जाने के लिए। तो ये अपना आयरन करके अपना पैकिंग शुरू कर दिए हैं। सारा कपड़ा फिर से आयरन करेंगे एक एक बार। एक ही थैला में सारा कपड़ा रख लेते हैं, उसके ऊपर से एक पॉलिथीन रखते हैं कि बरसात के मौसम में भीगने का कोई डर ना रहे। और प्लस मोबाइल पैसा सब रहता है, सबको अलग से एक थैले में पैक करते हैं। पूरा बरसात के हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। तो इसके पापा खा के चले गए थे क्योंकि पूरा सावन स्टार्ट होते ही वो तो लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं, तो लहसुन प्याज तो बना नहीं रहे। तो आज सुबह का खाना में हम सादा खाना बनाए थे, कद्दू का सब्जी, आलू का भुजिया और बिहारियों का चोखा। चोखा तो इनको पसंद है तो चोखा बना देते हैं। तो सुबह तो रोटी खा के गए, बोल के गए हैं कि दोपहर में करीब 2:30-3 बजे हम इनका ट्रेन है। तो अभी 1 बज रहा है तो अभी हम पूरी बना दे रहे हैं, पूरी भुजिया। तो बोले कि रास्ते के लिए ले जाने के लिए पूरी भुजिया है, इधर पूरी है उधर भुजिया बना चुके हैं। तो पूरी भुजिया ले जाएंगे और उसके बाद अभी बोले हैं कि दोपहर में निकलते समय चावल दाल सब्जी खा के जाएंगे। तो हमें रेडी हो गए हैं उनको भेजने के लिए साथ में। और तो हम सोचे कि पहले पैकिंग कर देते हैं उनका खाना और आ ही जाएंगे। पापा आ गए। पापा आ गए? हाँ। अच्छा अच्छा है, टाइम हो ही गया है तो इनका खाना पैकिंग कर देते हैं और उसके बाद खाना लगा देते हैं। और भगवान जी भी साथ दे रहे हैं। सुबह से तो बहुत गर्मी किए हुए था लेकिन अभी मौसम थोड़ा बादल किए हुए था लेकिन अभी बारिश होने लगा, क्योंकि इधर 4-5 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि जब ये निकलने के लिए होते हैं तो बारिश होता है। भगवान जी भी आशीर्वाद देते हैं कि चलो भाई इतना तपस्या कर रहे हो तो चलो अभी से मौसम ठंडा देते हैं। तो ठंडा हो गया है मौसम कुछ पहले से। पानी लगा बेटा, खाना लगा देते हैं पापा को क्योंकि ट्रेन छूटना नहीं चाहिए, अब यहीं से खुलेगा वो राइट टाइम ट्रेन हो। ये भी जाते हैं कांवड़ लेके हर साल इनके साथ। तो ये अभी डुमरी रहते हैं तो डुमरी से आए हैं अभी। तो पिछले हर बार तो 12 बजते बजते चले आते थे, इस बार लेट हो गया, हो सकता है कि बारिश में छिप गए थे क्या? नहीं, बारिश में नहीं छिप गए। चलिए तो फोन इनसे बात हुआ है, हो सकता है हुआ था ना। हाँ तो सुबह तो ही बोल रहे थे कई बार बात हुआ है। चलिए अभी क्या देते हैं, सीधे खाना की चाय पानी दे? चाय पानी और क्या, खाना का नहीं, जाते समय बोले दाल चावल थोड़ा सा खा लीजिएगा और पूरी खाना खा के तो निकलवे किया खाना खाए ना। और ये हमारे ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में ये वहाँ जाएंगे और वीडियो हमको भेजेंगे और सब बताते जाएंगे। सुइया पहाड़ कहाँ पड़ता है, क्या क्या पड़ता है रास्ते में? सुइया पहाड़, जलेबिया मोड़, सब आप लोग को जो भी व्यूअर नहीं देखे हैं जलेबिया मोड़, सुइया पहाड़, सब ये बताएंगे ब्लॉग के जरिए। आप सब लोग देखिएगा कि बाबा धाम जाने में क्या क्या रास्ता पड़ता है। चलिए बैठे लाते हैं पानी लेके। दादी और फूफा जी से मिलने के लिए आ रही हैं। दादी एकदम अच्छी, एकदम अच्छे से तैयार होकर फूफा जी से मिलने जा रही हैं। माँ जा रही है आपको दामाद से मिलने, दामाद बड़का दामाद बड़ी दिन का आए हैं तो माँ बैठा थी अपना रूम में, तो आज आ रही है वो भाई आपको दामाद से मिले। सब अकेलुआ है ना माँ, किसको अकेलुआ को आई है, 4 बजे गाड़ी थी, 4 बजे
हमारा चाय तो अब बन के तैयार हो गया है। फूफा जी इनके बोले कि हम चाय पियेंगे, तो हम कि ठीक है चाय पी लीजिए, उसके बाद खाना लगा देते हैं। तो हम लोग का चाय बन के तैयार हो गया है। चाय के शौकीन तो हम भी हैं, जितनी बार कोई पिएगा उतनी बार हम पीते हैं। तो दो कप छान रहे, एक उनका एक मेरा, और इधर मेरा पूरी भुंजिया बन के तैयार हो चुका है। अभी इसको पैकिंग करेंगे, इसके साथ तो अचार भी दे देंगे, क्योंकि अचार में बोले कि लहसुन तो पड़ा नहीं है, इसलिए हम कि लहसुन अचार तो ले नहीं सकते हैं। अचार पूरी भुंजिया पैक कर देते हैं अभी उनका, चलते हैं अब साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। वैसे हम तो एक चाय अभी दोपहर पी चुके हैं। चलो दे देते हैं चाय। मम्मी चाय ले आए यहाँ पे, पानी दे। खाने के लिए पूरी, आलू का भुजिया, अचार, हरा मिर्ची, परोठा और भुजिया है। तो जानते ही है, यहाँ से जब लेके करता है तो लेके कर लाते हैं। ये सब जाता है ना भाई, मगर कहते हैं कि इतना दे देती है कि फिर कहीं भी करता है रात में। ले लो खाना, खाना ले लो, सब किचन में है। अगर नहीं लग रहा तो खराब हुआ था, सुधर तो कैसे बन गया। हम लिए बनाने के लिए, नहीं बनाते खरीद के लाके, हम सोचे खराब हो जाएगा ना तो ले लेंगे बड़ा। उसमें भी हजार सस्ता मंगा सस्ता रहता है, ये लेके अब वही ले ले ना। हम सोचे कि 10,000 वाला ले ले। हाँ 10,000 वाला ही सबसे सस्ता भी, 10,000। हाँ 10,000 वाला ले लेंगे। हाँ चलिए अभी आ गए, इनको खाना दे देते हैं। खाना खा के तब नहाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। और भगवान जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो रहा है। सर सुबह तो एक बार पड़ चुका पानी, ये दोबारा पड़ रहा है पानी। निकले हैं ना तो से पानी नहीं, अच्छा है, हर बात का तो ठीक है ही। हर बार तो भगवान जी आशीर्वाद देते हैं कि चाहिए भाई ठंडे ठंडे में। आप काट दे भाई का, आप काटे यहाँ का खा के देखे दे काटे। एक टुकड़ी दीजिएगा, एक काटते हैं, दोनों लोग ले लीजिए। हर साल जाने के पहले अपना कावर फिर से ये धोते हैं। ऐसे तो हम एक दो बार धो चुके हैं, अपना रील बनाने के चक्कर में एक दो बार धो करके कावर से तो हम रील बनाए ही हैं, आप लोग देखेंगे वीडियो में। तो फिर आज निकलना है लेकर के कावर, तो फिर से इनको अच्छा से धो करके गंगा जल छीट करके लेकर निकलेंगे। और फिर तो वो सुल्तानगंज से फिर से धुलाता है, सजावट होता है इसका, फिर से जो भी इसमें कमी बेसी होता है, इसका श्रृंगार होता है अच्छा से कावर में। और इसी में गंगा जल लटका के लोटा से, लोटा या जग, लोटा या डिब्बा रहता है जिसमें मन उसमें आप इसको लटका देते हैं। और फिर इसी को खाना वाना खा के ये भी नहा के रेडी हो गए, सब लोग अपना अपना थैला टांग लिए, अब हम लोग निकलते हैं सब लोग। बाकी तो जो भी लोग जाने के लिए हैं, सब लोग मंदिर पे बोले कि इकट्ठा होने के लिए। और 4 बजे ट्रेन का टाइम है, 3:30 हो गया, 4:45 पे है शायद ना, 4:45 पे है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, बाकी सब लोग बोले हैं मंदिर पे ही पहुँचने के लिए। आगे बढ़ो, चलिए। सबसे पहले तो माँ होती है, सबसे पहले तो माँ के चरणों पर प्रणाम करेंगे, भगवान भी तो प्रणाम कर लीजिएगा। जा रहे हैं
बाबा का नगरिया दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, कह सकते हैं। नाम नहीं करे, चलिए सीलिंग वगैरह लेकर के आइएगा। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोग 5-6 आदमी सिपारा से सुल्तानगंज के लिए जा रहे हैं और एसी बोगी में भी टिकट कटा लिए हैं ताकि हम लोग आराम से जाएं। 5-6 आदमी हैं, आराम से जाएंगे, बाबा को जल चढ़ाएंगे सुल्तानगंज तक और उसके बाद फिर जल उठा करके हम लोग बाबा नगरी देवघर जाएंगे। धन्यवाद। बोलबम 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 बोलबम।